दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में छोटे व्यापारियों के व्यापार को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। जबलपुर में उन उम्मीदों को चकनाचूर करने नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों के दखल के बाद उन्हें राहत मिल गई। दरअसल नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता कटंगा से सदर के बीच सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को हटाने पहुंचा था। इसी बीच स्थानीय नेताओं ने मामले में दखल दिया और तब जाकर नतीजा निकला कि दुकानदार सड़क से दूर जाकर दुकान फिलहाल लगा लें, चूंकि दिवाली भी नजदीक है और उनके व्यापार में हानि भी ना हो। फिलहाल के लिए मामला शांत जरूर हो गया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि दिवाली के त्योहार के बाद क्या होता है। हालांकि मीडिया ने निगम अधिकारियों से इस मामले में बात करनी चाहिए, पर उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये कटंगा से जो सदर रोड जाती है, मैं समझता हूँ दिवाली का त्यौहार चल रहा है और यहाँ फूल पौधों की दुकान है और सजावट के सामानों की दुकान है और दिवाली में जो जिसका सब उपयोग करते हैं। तो अभी नगर निगम कमिश्नर साहब का ये आदेश आया है कि अतिक्रमण की पूरी टीम आई हुई है। उन्होंने टीम ने बोला है कि आप लोग सब पीछे कर लो, तो व्यापारी लोग समझाइश को मानते हुए सब अपनी दुकानों को पीछे कर रहे हैं और हम भी नगर निगम कमिश्नर से बात कर रहे हैं क्योंकि त्यौहार का समय है और इनके रोजगार का सामान खरीद चुके हैं ये, तो इनका रोजगार भी चलता रहे और नगर निगम के ट्रैफिक को भी बाधा ना आए और रोड भी सुचारू रूप से चलती रहे। तो नगर निगम के सभी कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि हाँ भाई, इनको जितना हो सके पीछे कर लो अभी आप, और दिवाली तक के त्यौहार के लिए इनको मौका दे और उसके बाद जैसे व्यवस्था होगी व्यवस्था कराएं।